चलो हाय गाइस, तो मैं कर रही हूँ रसोई की दीवार साफ। आप देख सकते हो किचन में जो दीवारें होती है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, उसके लिए मैंने सर्फ ले लिया है। और ये मेरे पास स्पंज है, उसको इस तरीके से दीवारों पे जोर जोर से रगड़ देती हूँ। नहीं तो बता दे क्या मैं कहीं क्या था पीली पीली ये वाली, ये तो गैस की पाइप है गैस, ये पाइप गैस का पाइप है। और ये मेरे पास कप बुरश है जो थोड़ी सी हम जैसे चौक वगैरह लगाते हैं चिकनाई जम जाती है उसे छुटाने के लिए बुरश भी है, अगर कुछ जमा हुआ सामान ना छूटे तो उसके लिए बुरश है। वैसे इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। जो मेरे पास स्पंज है आप देख सकते हो, सब लोग बोलते हैं ना कि आप क्लीनिंग की सफाई करो, क्लीनिंग करके दिखाओ। तो ऊपर मैंने देख सकते हो आपने ये सारे डिब्बे हैं जो मैंने साफ करके लगा दिए हैं, और अब दीवारें साफ कर देती हूँ किचन की। गर्मी में सफाई करने का मन नहीं करता है, बहुत आलस आता है। देख सकते हो आप कि फिर भी हमें सफाई करनी पड़ती है औरतों को। और सफाई के चक्कर में अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए सज धज जाती हूँ, जो मेरी रियल लाइफ है, जो मैं जैसी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करें, इसलिए मुझे बहुत कम सपोर्ट मिलता है कुछ लोगों का। गैस को हटा दिया है मैंने, नीचे रख दिया है। कर दूं अभी, रुक जा। अरे ये थोड़े से जहाँ गैस के पास थोड़े ज्यादा निशान होते हैं तो इस पर मैं बुरश मार देती हूँ। पीले निशान है ये। देख सकते हो ये निशान है जो, इसे छुटाने के लिए मैंने बुरश का सहारा ले लिया है, बुरश की हेल्प से। ओए आवाज कम कर ले। तो वैसे मेरी अब दीवार इधर से पूरी साफ हो चुकी है, और ये मैंने कपड़ा भी ले रखा है, कपड़े से भी रगड़ देती हूँ। वैसे ये साफ हो गई है। और ये अब मैं जो नीचे की स्लैब है देख सकते हो कि फर्श भी स्लैब टंगी हो रही है, इसको भी ऐसे रगड़ देती हूँ क्योंकि चिकनाई के रसोई में निशान बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। आप चाहे कितना भी साफ कर लो, मुझे भी दिखा देना थोड़ा सा। रसोई को चाहे हम कितना भी रोज ज़्यादा साफ कर लें, सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी किचन ही होती है। क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले हम रसोई को साफ करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते रहते हैं कि आप क्लीनिंग की वीडियो डालो, क्लीनिंग की वीडियो डालो। Thank you.
बन रही है, आप साइड हट जाओ और चुप रहो। वीडियो गुजारने के लिए कोई नहीं रास्ता रहता है। इधर दिखा तो इधर वीडियो को फोकस कर दे, उधर से पाइप मुड़ रहा हूँ, सही कर दे। तो आप देख सकते हो इस दीवार को हम अच्छे से धो देते हैं और ये सीट वाली झाड़ू है हमारी गैस का कनेक्शन है, अभी गैस बाहर से स्टार्ट नहीं हुई है, कनेक्शन अपने मिल चुका है। एक थोड़ी सी गंदी भी पड़ी है पाई, एक तो अभी आंधी आके गई है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी भी आई थी। सफाई कर देती हूँ, यहाँ हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, ये सारा जो भी मिट्टी वगैरह थी सारी यहाँ आ चुकी है, तो हम इस हिस्से को साफ करना है। तो इसके लिए भी मैं वही जैसे मैंने बाबा का रखा था वैसे ही करूँगी। चिमनी से फिर
खड़े हुआ नहीं ना बना अंदर दस कोई बात नहीं आप लोगों के सामने है थोड़ी और अच्छे से कर दूंगी और डिब्बे मैंने साफ करके लगा दिए हैं। मेरा भी सपना है कि हमारी किचन बहुत ही अच्छी हो। वैसे तो अच्छी है अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी मैं और अच्छी चाहती हूँ कि हमारी किचन में हमारा लोग जाए तो हमने जो भी दुकान कर दिया हम उसको खुश है। मसाले वगैरह जो रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा फ्रिज है छोटा और ये कुछ है सामान बस। और गाइस अब हम नीचे से देख सकते हैं कि नीचे गैस रख देती है, गैस भी गंदी हो गई है तो दूर मिलते हैं। अब हम नीचे से दो चीजें दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा बर्तनों का टोकरा रहता है और सब्जी वगैरह रखते हैं तो किचन का सामान निकाल कर भी सफाई बहुत अच्छे से होती है। तो रखा है
अंदर को भी ढोल दिया है। पानी खिलाना बाबू चला पड़ा हमारा। मैंने सिलेंडर को भी धो दिया है और कोल्ड में भी लगा दिया है। सिलेंडर को धोना नहीं चाहिए है? कोई बात ना, अब मैंने धो दिया। अब चूल्हे पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको डाल देती हूँ। अभी इसका कपड़ा मार के बहुत अच्छे से सफाई करेंगे। जी पकड़ी करने के लिए कमेंट में जरूर बताना। बाय, टेक केयर, खुश रहें।